हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। तो गाइस, इससे पहले हम जनवरी से लेकर नवंबर मंथ तक के करंट अफेयर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और उसकी एक प्लेलिस्ट भी हमने अपने चैनल पे बना दी है। और आपने अगर उससे पहले कोई भी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको देख लें। तो गाइस, आज हम जो करेंगे अपना दिसंबर मंथ का करंट अफेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर और डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है दिसंबर 1। दिसंबर 1 को जो है वर्ल्ड एड्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। हु हैज़ रिसीव द इमेजरी ऑफ पीस अवार्ड इन द USA? किसने इमेजरी ऑफ पीस अवार्ड USA में हासिल किया है? तो गाइस, उसका राइट आंसर है SS रविशंकर। SS रविशंकर को इमेजरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया USA में। हॉर्नबिल फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF राइजिंग डे परेड 2020 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? BSF की राइजिंग डे परेड जो है 2022 की, वो किस स्टेट में हेल्ड हुई है? तो उसका गाइस राइट आंसर है पंजाब। पंजाब इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-20 एज पर द लेटेस्ट डेटा? मैटरनल मोर्टैलिटी रेट जो इंडिया में 2018 से 2020 के बीच में हुई है लेटेस्ट डेटा के अनुसार, वो कितनी हुई है? तो उसका गाइज राइट आंसर है 97 पर लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई चेतना कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? नई चेतना कैंपेन जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो वो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डीजी यात्रा फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड फॉर विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? डीजी यात्रा फैसिलिटी किस ट्रांसपोर्ट के लिए इनॉग्रेट की गई है? तो गाइस, उसका राइट आंसर है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है डीजी यात्रा फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ऑन, नेशनल पोल्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो राइट आंसर है गाइस इसका दिसंबर 2। दिसंबर 2 को नेशनल पोल्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड UNSC प्रेजिडेंसी फॉर दिसंबर 2022 के लिए? UNSC की प्रेजिडेंसी किस कंट्री को दी गई है? तो वो दी गई है गाइज इंडिया को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक का किसको बनाया गया है? तो गाइज, का राइट आंसर है एम परमा शिवम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ द कंट्री बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर? किस यूनियन टेरिटरी, इंडिया के यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर है? तो गैस, वो है उस जम्मू एंड कश्मीर। वेन इज़ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व? कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 2 दिसंबर को। इंडिया नेवल फ्लीट शिवालिक एंड कमोरटा आर गोइंग टू विजिट विच सिटी? जो इंडिया का नेवल फ्लीट है शिवालिक और कमोरटा, ये विजिट करेंगी किस सिटी को? तो इसका जो गाइस राइट आंसर है हो ची मिन। विच कंट्री यूज टीम प्रोपेल द मून स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली? कौन सी कंट्री ने स्टीम यूज़ की है अपने जो मून स्पेस क्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए? तो गाइस, इसका राइट जो आंसर है वो है जापान। जापान इसका राइट आंसर है।
गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को जो है नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच अमोंग द डियो वॉन मिक्स टीम पिस्टल टाइटल नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप? मिक्स टीम पिस्टल टाइटल नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो गैस इसका जो राइट आंसर है वह है मनु बाकर एंड सरभ जोन। द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडिया प्रेजिडेंसी इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? जो इंडिया जो G20 की शेरपा मीटिंग हुई है इंडिया में, वो उसकी प्रेजिडेंसी किस सिटी ने होस्ट की है? तो गाइज इसका राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर ने जो है G20 की शेरपा मीटिंग को वो किया है, प्रेसाइड किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पराक्रम दिवस किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो उसका राइट आंसर है गाइस, पराक्रम दिवस जो है राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेक। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इट्स पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल एविएशन रैंकिंग? इंडिया की पोजीशन जो क्या है इंटरनेशनल एविएशन रैंकिंग में? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है 48। 48 रैंक है इंडिया का इंटरनेशनल एविएशन रैंकिंग में। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल? किसको जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वह है SS राजमौली। राजमौली को जो है अवार्ड दिया गया है एज डायरेक्टर न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर एट द वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोलंबिया? किसको सिल्वर मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है कोलंबिया में? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को जो है वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है। व्हेन इज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट कब किया जाता है इंडिया में? तो गाइस का राइट आंसर है 7 दिसंबर। वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस विच कंट्री विद $250 मिलियन फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट? वर्ल्ड बैंक ने जो है फाइनेंस किया है कंट्री को $250 मिलियन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, तो वो कौन सी कंट्री है गाइस? तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। विच मूवी वॉन्स स्पॉटलाइट एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन? किस मूवी ने जीता है स्पॉटलाइट अवार्ड हॉलीवुड में क्रिटिक्स एसोसिएशन के लिए? तो गाइज इसका राइट आंसर है RRR। वट इज़ द नेम ऑफ वेल्केनो इरप्टेड इन इंडोनेशिया ऑन December 4, 2022? क्या नाम था उस वेल्केनो का जो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है December 4, 2022 को? तो गाइज उसका नाम है माउंट समेरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM इज एस्टेब्लिश इन विच सिटी? इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम जो गोल्ड ATM है वो एस्टेब्लिश किया गया है किस सिटी में? तो गाइस इसका राइट आंसर है हैदराबाद। टू व्हाट परसेंट डिड द वर्ल्ड बैंक अपग्रेड इट्स फोरकास्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23? कितने प्रतिशत जो है
इंडिया की इकोनॉमी को फिस्कल ईयर 2022-23 में बताया गया कि इतनी जो है इनकी इकोनॉमी इतनी प्रतिशत से ग्रोथ करेगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो कितने प्रतिशत बताया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है 6.9%। हु वॉन द टाइटल ऑफ टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? किसने जो है जीता है टाइटल टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेरू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिना बोलरेटे। टू व्हाट बेसिस पॉइंट आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट ऑन 7 दिसंबर 2022? कितने पॉइंट पे जो है आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज़ किया है 7 दिसंबर 2022 को? तो गाइज उसका जो राइट आंसर है वो है 32% 35%। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC? ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो गाइज वो बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को। वेयर डज इंडिया स्टैंड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट इन 2022 पब्लिश बाय एरोटन कैपिटल? इंडिया का क्या रैंक बताया है स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में? तो गाइज वो बताया गया है 87। वेयर डिड द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड? 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा, गोवा में जो है वो इनॉग्रेट किया गया इसको। हु हैज़ बीन ऑफिशिएटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का जो नया चेयरमैन है वो कौन बनाए गए हैं? तो वो हमारे जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन हैं नए? वो हैं जगदीप धनखड़। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ TTFI? TTFI का नया प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है मेघना अलावत को TTFI का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। विच इज इंडिया फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड ऑन UPI? इंडिया का कौन सा फर्स्ट पेमेंट गेटवे है जो क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करेगा UPI पे? तो गाइज उसका राइट आंसर है रिजर्व पे। द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट वॉज लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया कूलिंग सेक्टर की रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइज लॉन्च करती है? तो गाइज उसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज एन इवेंट टू लॉन्च टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसिस इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसने इवेंट लॉन्च किया है टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसिस इन इंडिया? तो वो गाइस है आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। हु टॉप द फॉर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? किसने टॉप किया है फॉर्ब्स 2022 की लिस्ट में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में? तो गाइज उसका जो राइट आंसर है वह उर्सुला वॉन डेर लियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ वॉन ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022? किस वर्ड ने जो है ऑक्सफर्ड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो गाइज उसका राइट आंसर है ग्लोबिन मोड। विच स्टेट हैज़ सेट अप फर्स्ट दिव्यांग डिपार्टमेंट इन इंडिया? किस स्टेट ने जो है पहली बार सेट किया है दिव्यांग डिपार्टमेंट भारत में? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच मिनिस्टर? जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का, उसका नाम किस मिनिस्टर पे रखा गया था? तो वो उसका राइट आंसर है मनोहर पर्रिकर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? 15वें चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन बने हैं? तो गाइस उसका राइट आंसर है भूपेंद्र पटेल। विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट एवर अरब बुलेट लूनार स्पेस क्राफ्ट? कौन सी कंट्री पहली बार लॉन्च करने जा रही है जो अरब बुलेट लूनार स्पेस क्राफ्ट है? तो गाइस उसका राइट आंसर है यूएई। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? कौन बनी है पहली वुमेन प्रेजिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की? तो गाइज इसका राइट आंसर है पीटी उषा। हु हैज़ बीन न्यूली अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट December 12, 2022? कौन से न्यूली अपॉइंट किए गए जज सुप्रीम कोर्ट के December 12, 2022 को? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है दीपांकर दत्ता। वेयर विल बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस टास्क एजेंडा अंडर G20 प्रेसिडेंसी टेक प्लेस? पहली मीटिंग G20 की फाइनेंस टास्क एजेंडा की अंडर G20 प्रेसिडेंसी वो कहाँ पे हेल्ड की गई? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। वेयर डिड द पासिंग आउट परेड ऑफ नेवल पायलट टेक प्लेस रिसेंटली? पासिंग आउट परेड जो है नेवल पायलट की वो कहाँ पे टेक प्लेस हुई है रिसेंटली? तो गाइज उसका राइट आंसर है अराकोनम। When is UNICEF Day celebrated? Every year UNICEF Day celebrate हर साल कब किया जाता है? तो गाइज उसका राइट आंसर है 11 December। Which state become the first state to launch its own climate change mission in India? कौन सी स्टेट जो है पहली बार लॉन्च कर रही है ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन इन इंडिया? तो गाइज इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। विच सिटी होस्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022? कौन सी सिटी जो होस्ट कर रही है सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के लिए? तो गाइस जो इसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी। RBI साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? RBI ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव्स, मालदीव्स के साथ। द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? 9th जो वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस है या आरोग्य एक्सपो है वो किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो वो किया गया है गोवा में। विच प्लेयर वॉन वुमेन एयर पिस्टल गोल्ड इन 65th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2022? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है दिव्या TS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर हैज बीन ऑनर्ड विद SIES अवार्ड ऑन December 11, 2022? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है वेंकैया नायडू। इंडिया फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है मारुति सुजुकी। What is the consumer price index based retail inflation for November 2022 in India? The right answer is
5.88%. Which cricketer broke record of Chris Gayl record for the fastest 200 ODI innings? तो इसका जो गाइज राइट आंसर है वो है ईशान किशन. इन विच स्टेट PM इनॉग्रेट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑन दिसंबर 11, 2022? तो इसका राइट आंसर है वो है गोवा. विच प्लेयर हैज़ बीन अवार्डेड द ICC मैन प्लेयर ऑफ मंथ फॉर नवंबर 2022? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है जॉस बटलर. विच कंट्री पास द तंबाकू लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद विच कंट्री? तो गाइज राइट आंसर इज फिनलैंड. विच स्टेट यूटी इन इंडिया हैज़ बीन रिकोगनाइज एज द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? तो गाइज इसका राइट आंसर है लद्दाख. विच कंट्री हैज़ बीन ओस्टेड फ्राम UN वुमेन ग्रुप आफ्टर US कंपेन? तो गाइज राइट आंसर इज ईरान. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू? तो राइट आंसर इज USA. Which state UT in India has proposed to introduce unique alphanumeric identification number for all families? The right answer is Jammu and Kashmir. India International Science Festival 2022 will held in which city? Science festival which city? Bhopal. Who will be the next chief scientist of WHO? Answer is Dr. Jeremy Farrar. International Climate Hub has been launched by which institution? Right answer is G7. Which team won the FIFA World Cup 2022? Answer is Argentina. Who won the title of Miss World 2022? Answer is Sargam Kaushal. Who has been awarded the Golden Ball Award in FIFA World Cup 2022? The answer is Lionel Messi. Leo Varadkar, an Indian origin leader, has been elected as Prime Minister of which country? Answer is Ireland. In which city does PM Narendra Modi launch Grah Pravesh program? Guys, answer is Agartala. International Migration Day is celebrated on which day? International Migration Day celebrated on 18th of December. National Animal Resource Facility for Biomedical Research has been inaugurated in which city? Hyderabad. When is Sashastr Seema Bal Rising Day celebrated? Sashastr Seema Bal Rising Day celebrated on December 20. Union Minister Nitin Gadkari launches one of the India's first ever surety bond insurance product with which organization? Guys, right answer is Bajaj Alliance. Who took over the
जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो। राइट आंसर इज मोहित सेठ। रिथु बंधु इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट आर यूटी। राइट आंसर इज तेलंगाना। वट इज द नेम ऑफ फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75। द राइट आंसर इज INS वगीर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP 15। द राइट आंसर इज कैनेडा। वट इज द नेम ऑफ P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी। द राइट आंसर इज INS मर्म गोवा। वट इज द नेम ऑफ फर्स्ट शिप ऑफ SWC प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। राइट आंसर इज INS अर्नाला। वट इज द नेम ऑफ कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च्ड बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो राइट आंसर इज कल्याणी फरिश्ता। विच इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन ए ग्रेड बाय NAAC। राइट आंसर इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज वॉन विच अवार्ड इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। राइट आंसर इज प्लेटिनम आइकन। विच कंट्री हैज पार्टनर विद PTC इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम द इंडियन पावर मार्केट। द गाइस राइट आंसर इज भूटान। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। गाइज राइट आंसर इज IEA। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। राइट आंसर इज इंडिया। Which Indian movie song has been shortlisted in the best song category at the Oscar 2023? The right answer is Natu Natu. And also Natu Natu gets an Oscar award in 2022. Which institution released the 2022 in 9 charts report? Right answer is World Bank. According to Finance Ministry latest report, what is India gross domestic product growth in first half of 2022-23? The right answer is 9.7%. Which Indian movie has been shortlisted for the International Feature Film category in Oscar 2023? The right answer is Chilu Show. Which athlete has been nominated to the Vice Chairman panel in Rajya Sabha? Right answer is P.T. Usha. Who has been appointed as new chief of the New Delhi International Arbitration Center? Right answer is Justice Hemant Gupta. Next question. Which Indian documentary movie has been shortlisted for the documentary short film category in Oscar 2023? The right answer is Elephant Whisper. Actually, Elephant Whispers got Oscar Award in 2022.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व? नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व इन 23rd ऑफ दिसंबर। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 रिसेंटली? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल रेसलर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर? द राइट आंसर इज अंतिम फंगल। विच स्टेट यूटी हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर? राइट आंसर इज असम। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज द AI पे चर्चा AI डायलॉग इवेंट? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया? राइट आंसर इज डॉक्टर सोहेल एजाज खान। विच कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेजल वैक्सीन इन इंडिया? गाइस राइट आंसर इज भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राइट आंसर इज 26 दिसंबर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? द राइट आंसर इज सिटिवेनी रेबुका। विच इंस्टीट्यूशन वॉन द DSCIAISS अवार्ड फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर? राइट आंसर इज UIDAI। द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री हैज नेम्ड वन स्टार आफ्टर हूज नेम? राइट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। विच कंट्री सप्लाइज द S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? राइट आंसर इज रशिया। हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? आंसर इज पुष्प कमल देहल प्रचंड। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिसीव टाइप सर्टिफिकेशन एंड RTPO अप्रूवल फ्रॉम DGCA? राइट आंसर इज गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर? द राइट आंसर इज उदुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन? द राइट आंसर इज CBIC। इंडिया हैज एग्री टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच नेबरिंग कंट्री? द राइट आंसर इज बांग्लादेश। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश अ रिपोर्ट टू इंडियन इकोनॉमी रीचिंग $10 trillion बाय 2035? द राइट आंसर इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड? द आंसर इज अनिल कुमार लहोती। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of the new scheme announced under the Station Redevelopment Drive of Ministry of Railway? Right answer is Amrit Bharat Station Scheme. Which junior minister launched the city finance ranking 2022? Right answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. The National Mobile Monitoring System is an initiative of which union ministry? Right answer is Ministry of Rural Development. Which state and home affairs ministry has signed cessation of operation agreement with which ZUF armed group? Right answer is Manipur. Next question, the G20 Digital Innovation Alliance campaign will be organized in which city? The right answer is Bangalore. The Mangadechu Hydroelectric Power Project is how many megawatt? The right answer is 720 megawatt. And Mangadechu Hydroelectric Project is located in Bhutan. You must remember that point also. Next question, Nitin Manmohan, who passed away today, was a prolific personality in which field? The right answer is film industry. Next question, which institution has been named G20 Science Working Group Secretariat? Right answer is IISc Bangalore. Next question, Daksh is the payment fraud reporting module maintained by which institution? The right answer is RBI. Which union ministry has approved the nodal ministry for matter relating to online gaming? The right answer is Ministry of Electronics and IT. Next question, who has been appointed as the Prime Minister of Israel? The right answer is Benjamin Netanyahu. Next question, Kyakin Konoing Academy will be established in which state? The right answer is Uttarakhand. Which cricketer has been shortlisted for ICC Men's T20 International Cricketer of the Year 2022? The right answer is Surya Kumar Yadav. And today last question is, which missile extended range air launch has been tested by the Indian Air Force? The right answer is BrahMos. I hope guys आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा, तो अगर आपको बढ़िया लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो गाइज हमारे जो सीरीज़ थी 2022 की करंट अफेयर्स की, वो मैंने होपफुली आपको पूरी कंप्लीट करवा ली है। अगर आपने इससे पहले वो वीडियोस नहीं देखी तो हमने इसकी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे जाके मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का। तो आई होप गाइस अब हम एक दो दिन की हम लेंगे, दो तीन दिन की ब्रेक लेंगे, और इसके बाद हम अपना शुरू करने जा रहे हैं 2023 का। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने 2022 का करंट अफेयर्स आपको करवाया है, वैसे ही हम आपको 2023 का भी मंथली करंट अफेयर्स करवाएंगे। तो गाइस ये इसके सारे अगर नोट्स की बात करें तो इसके जो भी हैं हमारे मंथली इसके जो हमने नोट्स हैं ये भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए
गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।